पोखरे में 18 वर्षीय युवक की डूबने से हुई मौत। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के गोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत है, जहां टड़ियाव में 18 वर्षीय युवक नहाने गया था, जहां नहाने के दौरान डूबने से उसकी लड़का शिवम जो कई लड़कों के साथ जाकर के नहा, कई दिनों से नहा रहा था, वहाँ टड़ियाव में पोखरी है, वहीं ये लोग लगभग 1:30 बजे नहाने गए हैं, और जब नहा रहे थे लोग तो ये लड़का उसी में डूब गया। तो लड़के भाग करके आके तुरंत बताएं कि लड़का मिल नहीं रहा है, तो गांव के लोग टूट करके गए हैं। तो काफ़ी मशक्कत 4 घंटे तक खोजने के बाद जो है लगभग ये 1:30 बजे का डूबा था लड़का, और 6:15 बजे लाश मिली है। क्या लड़के का नाम था? लड़के का नाम शिवम है, उसकी उम्र 18 वर्ष है, उसके पिता का नाम रमेश है, निवासी ढकौरा गोपागंज। लड़के का शादी हो गया क्या? नहीं, अभी शादीशुदा नहीं बच्चा है, अभी तो हमको लग रहा है 12वीं कक्षा का छात्र है। भाइयों में कितने भाई? 2 भाई थे, बड़ा भाई का नाम सत्यम है जो 22-23 साल का है। और बहन कितने थी? बहन उसकी एक है। दो मामला ये हुआ, बच्चा था चला गया नहाने के लिए। कहाँ पे गया था? वो टड़िया, और वहाँ से क्योंकि नहा रहा था, गार्जियन को जानकारी नहीं थी कि बच्चा को कहाँ निकला हुआ है। बड़ा छानबीन के बाद पता चला है कि नहीं, कहीं इधर नहाने के लिए गया था, तो लोग तलाश में गए तो पता चला है कि नहीं, अब इसी में नहाने में उसकी ऐसी घटना हुई है। कैसे मालूम पड़ा है? खोजने मालूम हुआ है भाई, क्योंकि लड़का 3-4 घंटा में दिखाई नहीं दिया है घर में, तो गार्जियन खोजना शुरू किए हैं कि है कहाँ बच्चा, तो खोजने से ही मालूम हुआ है कि नहीं वो चला गया है वहाँ नहाने के लिए। और नहाते वक्त क्योंकि लड़के का क्या नाम था? सुंदरम नाम है। कि पढ़ता था ये? हाँ पढ़ता था। कितनी क्लास में पढ़ता था? शायद 10 में है कि 11 में, बीए में है। अच्छा, बीए का छात्र था। बीए का छात्र। आज आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ वहाँ जहाँ उसके माता पिता खड़ा हुए हैं।